आवाज समाचार और रुख करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट खबरों का। पहले बात करेंगे वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट से जुड़ी हाईलाइट्स की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल इंडस्ट्री लीडर्स और राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की। आज सुबह उन्होंने महात्मा मंदिर में मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप जेकोंटो और तिमोर के प्रेसिडेंट जोस रामोस से द्विपक्षीय वार्ता की। प्रधानमंत्री ने इसके बाद सुजुकी मोटर्स लिमिटेड के प्रेसिडेंट तोशिहिरो सुजुकी, डीपी वर्ल्ड के सीईओ सुल्तान अहमद बिन सुलायम से मिले। प्रधानमंत्री माइक्रोन के सीईओ संजय मेहरोत्रा, ऑस्ट्रेलिया के डिकिन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ईएन मार्टिन और एपी सोलर के सीईओ कैथ स्वेडसन समेत कई इंडस्ट्री लीडर्स के साथ वन टू वन मुलाकात की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वाइब्रेंट गुजरात समिट का उद्घाटन करेंगे। इसके लिए पीएम मोदी दो दिन पहले ही गुजरात पहुंच गए हैं। आज भी पीएम के कई अहम कार्यक्रम हुए। वाइब्रेंट गुजरात समिट की पूरी जानकारी लेकर हमारे साथ मौजूद हैं केतन जोशी। तो केतन, बताइए आज पीएम मोदी क्या क्या कार्यक्रम उन्होंने अटेंड की और कल से इस समिट की शुरुआत हो रही है, तो क्या एक्सपेक्ट किया जाए, क्या तैयारियाँ? करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीएम मोदी ऑलरेडी वहां पहुंच चुके हैं। कल उद्घाटन है और हमने देखा है कि समिट की शुरुआत से ही पहले काफी एक्साइटमेंट और का माहौल बना हुआ है। काफी हमने इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी आते हुए देखे हैं, लेकिन अब कल से क्योंकि शुरुआत हो रही है इवेंट की, तो नजरें रहेंगी कि क्या कुछ और नई इनफ्लोज आते हैं इस समिट के थ्रू। केतन हमारे साथ कनेक्टेड है। केतन, बताइए पहले तो आज पीएम मोदी का कार्यक्रम क्या क्या रहा और अब कल से शुरुआत हो रही है समिट की, तो क्या एक्सपेक्ट करें? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देर रात को ही अहमदाबाद आ गए थे और आज उनका पावर पैक प्रोग्राम रहा। अगर हम अभी तक के हाईलाइट देखें तो मोजाम्बिक के प्रेसिडेंट फिलिप जेकोटो, तिमोर के प्रेसिडेंट जोस रामोस और कई सारे ग्लोबल सीईओस के साथ उनकी महात्मा मंदिर में बैठक हुई। ग्लोबल सीईओस के साथ जो बैठक हुई उनमें से सुजुकी मोटर्स के प्रेसिडेंट तोशिहिरो सुजुकी, डीपी वर्ल्ड के सीईओ सुल्तान अहमद बिन सुलायम, माइक्रोन के सीईओ जो संजय मेहरोत्रा जिनका प्लांट ऑलरेडी सानंद में अभी बन रहा है, तो उनको लेकर भी उनके साथ चर्चा हुई। फिर गिफ्ट सिटी में एजुकेशन पर्पज से जो यूनिवर्सिटी बनी है डिक्कन यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की, उनके सीईओ के साथ भी उन्होंने आज मुलाकात की। एपी मोलर जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, उनके ग्लोबल सीईओ कैथ स्वेडन के साथ भी उन्होंने वन ऑन वन वार्तालाप किया। और अभी जहां पर हम मौजूद है वहां हेलीपैड के ऊपर 3 बजे ग्लोबल ट्रेड शो का भी उन्होंने उद्घाटन किया और अब 5:30 के बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट से गांधीनगर तक एक रोड शो रहेगा। उस रोड शो में यूएई के जो प्रेसिडेंट है उनको वेलकम किया जाएगा और भारत और यूएई के बीच में जो संबंध इतने मजबूत बने हैं उनको एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाने की यहां पर कोशिश रहेगी। तो प्रधानमंत्री है आज पूरे दिन व्यस्त रहे और रात को भी शायद कुछ सीईओस के साथ वो डिनर कर सकते हैं। और कल अगर हम बात करें तो 9:30 बजे उद्घाटन समारोह शुरू होगा वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का। और कल भी पूरा समय और जब शाम होगी तब गिफ्ट सिटी में फिनटेक के सीईओस के साथ भी उनकी मुलाकात होगी। तो हम कह सकते हैं कि वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का काउंटडाउन शुरू हो गया है और ग्लोबल ट्रेड शो में जहां मेरे आसपास आप देख सकते हैं कई सारे देशों के लोग आपको यहां पर दिखेंगे, 100 देश के इन्वाइटीज यहां पर मौजूद रहेंगे, 20 देश के लोगों ने यहाँ पर अपना पेविलियन भी रखा है, जापान है, स्वीडन है, ऑस्ट्रेलिया है, नेदरलैंड है, तो उन्होंने अपनी अपनी यहाँ पर जो प्रोडक्ट है उनको भी लॉन्च किया है। तो हम कह सकते हैं कि एक तरह से ये वाइब्रेंट गुजरात समिट और ग्लोबल ट्रेड शो अपने आप में यादगार होगा और 5:30 बजे का आज का रोड शो भी इसमें एक शामिल रहेगा। जी ओके, शुक्रिया आपका केतन ये सभी अपडेट बताने के लिए किस तरीके का माहौल है और क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए कल से शुरू हो रहे इस इवेंट से। लेकिन आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे मार्केट